बिग बॉस के घर के अंदर अब फलक जो है वो टांग खिंचाई करती नजर आई है फुकरा की। वो फुकरा से ये जानना चाह रही है कि आखिर इस घर में उसे कौन पसंद आ गया है, उसका दिल किस पर आया है। और उसका इशारा जो है वो तीन लड़कियों की तरफ था। लेकिन यहाँ अब थोड़ी ही देर में जब इन लोगों की कॉन्वर्सेशन चल रही होती है तो जिया आ जाती है, और जिया जो है आकर फुकरा की टांग खिंचाई करने लगती है और कहती है कि सच में अब लगता है कि इस घर में रोमांस का तड़का भी तुझे ही लगाना पड़ेगा। तो फुकरा कहता है कि एक्शन हीरो भी मैं, लव हीरो भी मैं, सब कुछ क्या मैं ही करूँगा, तो बाकी लोग क्या करेंगे। जिया कहती है देख, हर चीज़ की उम्मीद जो है वो बिग बॉस को, मेकर्स को, तुझसे ही है, तुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से लगातार पाउडर एरिया में जो मस्ती मजाक चल रहा था, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि जिया जाती है फुकरा के पास और पूछती नज़र आती है कि तू ये बता, अगर मैं तुझे प्रपोज करूँ तो। इस पर फुकरा कहता है कि अरे लेकिन मेरी तो बाहर गर्लफ्रेंड है ना। तो फलक कहती है कि फिर इस घर की लड़कियों का क्या होगा। तो फुकरा कहता है कि ऐसा करते हैं दीदी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मेरे लिए कोई भी लड़की सेलेक्ट कीजिए। फुकरा ने अपनी बात पूरी की ही थी लेकिन फलक तुरंत बोल उठी कि बेबिका। तो फुकरा कहता है कि हाँ, आप मेरे लिए कोई भी लड़की सेलेक्ट कीजिए, मैं आँख मूंद कर उसे तुरंत रिजेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से मस्ती मजाक करते नजर आए हैं। लेकिन जैसे ही फलक ने बेबिका का नाम लिया तो जिया कहती हैं कि उससे पहले तो लाइन में मैं खड़ी हूँ, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, इनकी कॉन्वर्सेशन के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।